वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकेएस स्टडी स्मार्ट क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल्स और इसको अब शुरू करते हैं। व्हेन इट्स प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली आई थिंक यू बी एंजॉयिंग इट। बच्चों, आपसे बात पूछना चाहूँगा कि चॉपर है, हेलीकॉप्टर एक सर्टन हाइट पे उड़ रहा है, यस, और कहीं आके स्टेशनरी होता है किसी गाँव में सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में फूड पैकेट्स ड्रॉप कर रहे हैं। फूड पैकेट्स यहाँ से ड्रॉप हुए तो आपको लगता है कि उसी गांव में जाएंगे? यस। यदि ये स्टेशनरी है तो इफ इट स्टेशनरी आगे खड़ा हो गया, वहां पर बैलेंस हो गया, बर्नौली थ्योरम से बैलेंस हो गया है, तो ये उसी गांव में जिस गांव में हम हेल्प पहुंचाना चाहते हैं वहीं पहुंचेगा। यस, सपोज इसको थोड़ा आगे चला जाता है सेम एट द सेम हाइट। अब वो वहाँ भी एक गांव है, वहाँ भी हमने जरूरतमंदों को एक सामान पहुँचाना है। व्हाट यू थिंक, यदि यहाँ से इसको ड्रॉप किया जाता है तो ये सीधा उसी गांव में आएगा? इन दिस पार एज इट केम हियर, जरा सोचिए, क्योंकि चल रहा है, रुका नहीं वहाँ, यहाँ रुका हुआ था, यहाँ वहीं आया। जब ये चल रहा है तो ये शायद इस बात में ना आए, शायद ये फूड पैकेट्स इस बात में जाए। So these will be the various positions of the food packet while going, and this is a projectile. Projectile क्या cover कर रहा है? ये horizontal distance भी cover कर रहा है और vertical distance भी cover कर रहा है। आगे भी जा रहा है और उसी क्षण नीचे भी आ रहा है। So simultaneously it is covering the motion in a plane that is moving horizontally as well as vertically. तो ये उस गांव में ना गिर के कहीं दूसरी जगह पे गिर जाएगा। तो ये कंडीशन ठीक वैसे ही ठहरी कि यदि हम किसी टावर पे किसी चीज को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दे। यस, ये स्टेशनरी है, ये पोजीशन क्या हुई? जैसे किसी टावर पे किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ, सेकेंडरी क्लासेस में, तो ये उस केस में होगा कि ये सीधा ऐसे आएगा। यदि ये मोशन में है जस्ट लाइक इट, ये दोनों अवस्थाएं एक जैसी हैं, चाहे एक टॉवर पे बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, चाहे व्हाट द पॉइंट, चाहे मूविंग कंडीशन में ड्रॉप कर दिया। मूविंग कंडीशन में ड्रॉप किया हुआ इज इक्विवेलेंट टू द किसी पोजीशन से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके निकालना। यस, तो ये बॉडी सेड टू बी प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स कवरिंग, व्हेन इट्स प्रोजेक्टेड विद सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ इस केस में एंगल तो जीरो रहा। यस, सो इट कुड बी प्रोजेक्टेड लाइक दैट आल्सो। यस, तो किसी चीज बॉडी को किसी एंगल के साथ विद द हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो पाथ कवर्ड बाय दैट विल बी कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। आई थिंक इट्स ओके। नाउ वी विल प्रोसीडिंग। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, इस चीज को हम रेंज बोल देंगे। किस नाम से जानेंगे? रेंज के नाम से। मैं बोलता हूं कि ये 100 मीटर हाइट के ऊपर है ये हेलीकॉप्टर, तो 100 मीटर से नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा? और ये भी उसी सेम हाइट पे था, मैंने बोला था 100 मीटर पे सेम हाइट पे है, तो इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। यस, तो दोनों को समय सेम ही लगेगा। यू कैन कैलकुलेट 4.46 सेकंड्स। ऐसा क्यों? यही आज स्टडी हमने करना है। ऐसा क्यों? प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस को निकालेंगे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आई थिंक यू विल बी एंजॉयिंग दैट। दूसरी इसी को, जितनी देर बॉडी स्पेस में रहेगी, एयर में रहेगी, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां जब बॉडी को जीरो स्पीड से ड्रॉप किया गया, ये भी वही समय लेता है, और बॉडी को सपोज यहां पर हमने 200 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया तो ये भी सेम समय लेगा। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। प्रोजेक्टाइल्स में ये भी मान के हम चलेंगे कि अर्थ की रोटेशन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, ये भी मान के चलेंगे जो अर्थ का कर्वेचर है उसको हम निग्लिजिबल ही मान लेंगे, और ये भी मान के चलेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। यस, अब बात थोड़ी सी और आगे चलाते हैं हम। सपोज बॉडी यहां पर आ गया, यहां पर इसके पास एक वेलोसिटी है जिसके साथ ही नीचे आ रहा है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज कॉम्बो ऑफ टू वेलोसिटी, वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये रिजल्टेंट लगाएंगे, आपने जैसे वेक्टर्स में स्टडी किया होगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करते रहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली चीजों को और वर्टिकल कंपोनेंट वाली चीजों को अलग से सॉल्व करते रहेंगे। बड़ा सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी लगता रहेगा। यस, इसको डिटेल्स में डिस्कस हम करते हैं। यस, और भी चीज आपने पूछना हो मेरे से, ये इसको बोलेंगे रेंज, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलेंगे, दैट्स अ टोटल हाइट, इसको आज डिस्कस करते हैं। आई थिंक यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दिस, ब्रेवली एंजॉय दिस चैप्टर। देखते हैं बच्चों कैलकुलेट करके कि यदि 100 मीटर हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो क्या टाइमिंग आता है। ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 100 मीटर लिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो माना क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है, 0 इंटू टी हाफ जी, अप्रोक्सीमेटली मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो टी स्क्वायर इज 5, सो 100 0 प्लस 5 टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सो टी इज रूट 20, सो इट इज 2 रूट 5, प्लस 2.23 अप्रोक्सीमेटली, देन इट कम्स अ 4.46 सेकेंड्स। यदि हम मूविंग हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दें तो वो ड्रॉप किया गया यू जीरो इस डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इसमें 200 मीटर पर सेकंड ही रहना है, यहाँ के लिए वो जीरो ही मान के चलेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा, जो आज मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, वो हमारे पास आएगा द टाइम इज व्हाट 2h/g। यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। हाइट 100 था, जी 10 था, अगेन रूट 20 means 4.46 seconds। तो दोनों केस में चाहे स्टेशनरी हेलीकॉप्टर से पैकेट ड्रॉप किया गया सेम हाइट से, और उसी हाइट से एक चलते हुए हेलीकॉप्टर से जब ड्रॉप किया गया तो टाइमिंग सेम आया। इसको आज इस विषय को हम आज पढ़ेंगे कि ये कैसे एक्सप्रेशन आया हमारे पास। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। कि बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी उसको आपने टू पार्ट्स में बांट लेना है, अलॉन्ग विद द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सपोज मैं बोलता हूँ कि पॉइंट पी पर ये वाई यूनिट्स नीचे आ गया अलॉन्ग विद दिस ओ वाई, एंड अलॉन्ग विद ओ एक्स ये एक्स यूनिट आगे चला गया। यस, इसको यदि हम इसको मान के चलें तो यू एक्स ये इनिशियल पोजिशन के लिए वो ज़ीरो ही मानेंगे। Yes, I think you're getting it. Plus half ax t square. Acceleration भी along x axis मान लिया ax. Initial velocity भी आपने ux मान लिया, ये horizontal के साथ आपने सारा मान लिया, और x zero को आप zero ही लेके चलेंगे। ux let the initial velocity is u, इसको u मान लिया, और ax along x एक्सिस जीरो मान लिया, क्योंकि जब यहाँ से आप किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल में, आफ्टर दैट इट गोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, तो ये मान ली, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, x इज इक्वल टू व्हाट 0 प्लस यू टी हाफ 0 एंड टी स्क्वायर, तो ये सारा जीरो एक्सप्रेशन हुआ। x इज इक्वल टू यू टी, इस एक्सप्रेशन को आप संभाल के रख ले विद द एक्सप्रेशन नंबर वन। अब वर्टिकल मूवमेंट के साथ इसको देखते हैं तो इसको क्या मान लेंगे आप, y इज इक्वल टू व्हाट y जीरो प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आफ्टर डिलीवरिंग इट गोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए वाई को आप जी मान लीजिए, प्लस जी बिकॉज इट्स बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। यस, u y को आप
जीरो ही ले लें, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी जो है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पर अलोंग विद द वाई एक्सिस इसको जीरो मान लिया, ये एक्सप्रेशन भी आपके पास जीरो रह गया। सो आपके पास आया क्या, जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन टू आया। यदि यहाँ से हम टाइम का वैल्यू निकाल लें, लेट्स सी क्या आता है, एक्स बाई यू, और इस एक्सप्रेशन को आप सब्स्टिट्यूट कर दें एक्सप्रेशन नंबर टू में, लेट्स सी ये क्या आता है, वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स बाई यू स्क्वायर, ये बच्चों क्या हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। यदि आप इसमें हाफ जी और यू स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया, ये तो बच्चों ये हाफ जी बाय यू स्क्वायर एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन आया, यस लेट इट बी के, सो के एक्स स्क्वायर। तो आपको लगता नहीं एक पैराबोलिक इक्वेशन आ गया, तो पाथ इज आल्सो द पैराबोलिक, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, इट्स कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। बच्चों अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग द फ्लाइट पैराबोलिक पाथ ड्यूरिंग द ट्रैजेक्टरी फॉर्मेशन, ये टोटल टाइम कितना बॉडी स्पेस में रहेगा, एयर में रहेगा, यस एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो मान के चल रहे हैं। लेट्स सी ये इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम फॉर विच द बॉडी रिमेन्स इन द एयर, सो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इक्वेशन में हम सबसे छूट करके देखें, जो वाई का एक्सप्रेशन आपके पास था, वाई इज इक्वलन टू हाइट, कि पूरा हाइट ये नीचे आ गया, यस वर्टिकल मूवमेंट आपके पास जो वाई है इट हैज टर्न टू द एच, इनिशियल मूवमेंट पोजिशन है आई टेक एज जीरो, यस एंड इंस्टेड ऑफ वी वाई इट वाइल फॉलिंग डाउन वी वाई इज कंसिडर्ड जीरो, यू नो टाइम पूरे टाइम जो है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, इसको कैपिटल टी से डोनेट करेंगे, तो यहाँ मैं इंस्टेड ऑफ टी आई एम टेकिंग कैपिटल टी, हाफ ए वाई की जगह पर हम लेंगे प्लस जी द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में एक बार आपने वेलोसिटी इनिशियल दे दिया, आफ्टर दैट बॉडी इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, यस सो जी इज देयर एंड टी स्क्वायर इज देयर, सो व्हाट इज एच, इट इज द ऑल एक्सप्रेशन जीरो, इट इज जी टी स्क्वायर बाय टू, दिस इज टू एच बाय जी दैट इज टी स्क्वायर, सो टी इज व्हाट रूट टू एच बाय जी, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने एरोप्लेन के केस में निकाला था, यू रिमेंबर इन द केस ऑफ एरोप्लेन व्हाट यू फाइंड, यस द टाइम ऑफ जो टाइम था वो दोनों केस में इक्वल आया था, तो ये एक्सप्रेशन की मैं बात करता था, यस ये एक्सप्रेशन जो आपके पास आया था ये यहाँ से आया, गॉट द पॉइंट। अब देखते हैं कि पूरे टाइम के दौरान बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूवमेंट करती है, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज के नाम से जानते हैं, एक्स टर्न्स टू आर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास जीरो रहा, हाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू था, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू कैपिटल टाइम टी, यस हाफ नाउ ए एक्स इज जीरो, क्योंकि एक्सेलेशन सिर्फ ग्रेविटी का चल रहा है, यस प्रोजेक्टाइल में एंड टी स्क्वायर, सो दिस एक्सप्रेशन इज जीरो, दिस इज जीरो, सो आर इज व्हाट, आर इज यू टी, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यू, टी का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये आपके पास आया टू एच बाय जी, तो रेंज इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यस गॉट द पॉइंट, रेंज इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन में आ रहा है, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप 200 मीटर की स्पीड से गिराएं पर सेकंड की, जैसे आप एरोप्लेन उससे गिरा रहे थे हेलीकॉप्टर से, चाहे 20 मीटर से, चाहे 10 मीटर से, ये कॉन्स्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। आई थिंक दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, यस बॉयज एंड गर्ल्स, सो कीप एन्जॉइंग,
नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड मेकिंग सर्टन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इट्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड यस ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल वाला बात होएगी नाउ इट वॉज फ्रॉम एयर टू ग्राउंड यस कहाँ फूड पैकेट प्रॉपर गिराना था कितनी दूरी से गिराना था ऑल दिस पॉइंट्स सो आई एम एंजॉइंग योर कंपनी आई थिंक सेम विल बी ऑन योर साइट गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो सेकेंड पार्ट में हम मिलेंगे प्रोजेक्टाइल पार्ट टू में यस टेक केयर गॉड ब्लेस